श्री कृष्ण के अनमोल वचन, जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। तिल बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। तिल्ड जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह स्वयं का शनै शनै शत्रु बनता जाता है। तिल्ड बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। तिल्ड स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। तिल सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है। तिल्ड आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। तिल्ड दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। तिल्ड मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। तिल्ड मान अपमान लाभहानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है। तिल जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। तिल्ड उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। तिल्ड प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण के विचार, तिल सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। तिल्ड जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। तिल्ड व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। तिल्ड शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए, जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ न हो। तिल्ड परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। तिल्ड इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान है। तिल्ड बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। तिल्ड यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। तिल्ड मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। तिल्ड दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। तिल्ड मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। तिल्ड जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। तिल्ड जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं।